श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज 25 मई है और साथ ही साथ आज बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ माह का ये बुधवार है और इसी के साथ आज दशमी तिथि है। तो दोस्तों आज के दिन आप लोगों को रात्रि के समय एक चीज को छूकर यह शब्द बोल देना है, आपके जीवन में आ रहे सभी प्रकार की समस्या दूर होगी और साथ ही साथ आपका बुद्ध मजबूत होगा, बुद्ध की स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो दोस्तों आज के दिन बुद्ध की स्थिति मजबूत करने के लिए और सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए आप लोगों को आज बुधवार की रात्रि में इस छोटी सी कार्य को अवश्य ही करना चाहिए। पूज गुरुदेव के द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा कार्य है। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। हमारे हमेशा की तरह कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज रात्रि में आप लोगों को मात्र इस चीज को छूकर यह शब्द बोलना है। दोस्तों आप लोगों को आज रात्रि के समय कुछ आंकड़े के पत्ते आप लोगों को तोड़कर अपने घर में लाने हैं, ठीक है? आंकड़े के पत्ते तोड़कर आप लोगों को अपने घर में लाने हैं। कम से कम आप लोगों को 7 पत्ते तोड़कर अपने घर में आंकड़े के लाने हैं और 7 पत्तों पर फिर आप लोगों को हल्दी से या फिर लाल कुमकुम से आप लिखते हो तो और भी अच्छा होता है। लाल कुमकुम से आप लोगों को उन 7 पत्तों पर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 7 पत्तों पर आप लोगों को ओम श्री गणेशाय लिख देना है और फिर उन पत्तों को आप लोगों को मात्र भगवान हनुमान जी के पास जो कुमकुम होता है उससे आप लोगों को लिखना है और फिर आप लोगों को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के चरणों में उन पत्तों को अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप लोगों को ओम गण गणपताय नमः का आप लोगों को जाप करना है और इसके पश्चात आप लोगों को इसे अर्पित करना है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से बुद्ध की स्थिति मजबूत होती है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।